अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? क्या हाल है आप सबका? मैं बना रही हूँ शामी। शुक्र है, ठीक ठाक। अपने आधा किलो चने की दाल, ये दो कप दाल, किलो गोश्त, इनके एक किलो गोश्त। अब मैं इसको साफ करूँगी, साफ करके तकरीबन आधे घंटे के लिए भो दूंगी। पानी गर्म किया, चने की दाल डाली, एक छोटा सा प्याज, यानी कि दरमियाना हो जाए, बहुत छोटा भी ना, एक गट्ठी लहसुन की, मतलब 5-6 जबे हो जाए। एक टमाटर, 2-3 सब्ज मिर्चें, एक टेबल स्पून है नमक, हल्दी, लाल मिर्च, इसको मैं छोड़ दूंगी पकने के लिए, जब तक 10-15 मिनट गल जाए ना, तो उसके बाद इसमें डालेंगे एक किलो गोश्त, आधा किलो दाल में ना मैं एक किलो गोश्त डालती हूँ। इसमें डालेंगे पिसा हुआ गर्म मसाला, सब्ज़ धनिया, दो तीन सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के, हम इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। मैं डालूंगी इसमें 2 अंडे,
एक एक तोड़ के डालने हैं, बहुत दफ़ा ख़राब भी होते हैं ना। और फिर इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। कुछ लोग अंडा लगा के फ्राई करते हैं, मैं मसाले के अंदर ही डाल देती हूँ ताकि ना बनाएंगे कबाब। ये देखो मसाला इतना है ना, क्योंकि कबाब ना के तो मैं फ्रीज कर लूँगी, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, वैसे घरेलू इस्तेमाल के लिए। बच्चों को वैसे है भी बहुत पसंद है। कबाब हो गए मेरे फ्राई, यही तक था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।